जानबूझ करके घटना घटाया गया है कि दूध का दूध पानी का पानी शांति समिति के बैठक का वीडियो जारी करें। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में रामनवमी जुलूस के निकलने के बाद से ही जो हिंसा भड़की है, अब उस पर सियासत तेज हो गई है। बता दें कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बयान लगातार जारी हैं। ट्विटर पर भी इस मामला को लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं, और चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हो चाहे विपक्ष में बैठे लोग हो, एक दूसरे पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, और सत्र के दौरान भी ये मुद्दा खूब जोरदार तरीके से उठाया जा रहा है और इसको लेकर हंगामा भी किया गया। अब इसके बाद से जो बीजेपी विधायक है हरिभूषण ठाकुर उर्फ बच्चौल, उनका बयान सामने आ गया है। दरअसल एक तरफ उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है, तो दूसरी तरफ उन्होंने अपील भी की है कि हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले की जांच कराए, दूध का दूध पानी का पानी करे, और जो लोग इसमें दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाए। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। ठीक है, वो दुखद है और निंदनीय है। जानबूझ करके घटना घटाया गया है, इसका जीता जागता प्रमाण है। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी रामनवमी का शोभा यात्रा निकला है, उससे पहले शांति समिति की बैठक हुई है, शांति समिति के बैठक का वीडियो जारी करें। किस तरह रामनवमी के शोभा यात्रा के समितियों पर दबाव बनाया गया कि आप जुलूस नहीं निकालिए, लेकिन दबाव के बावजूद शांति प्रिय ढंग से लोगों ने जुलूस निकाला, उस पर सोची समझी राजनीति के तहत तुष्टिकरण के तहत, पहले से हम लोग कहते थे कि PFI का अड्डा बन चुका है बिहार, और एक बार साबित हो गया कि 1947 तक जो वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, उसका जीता जागता प्रमाण आपको बिहार के कई जगह, मुजफ्फरपुर। आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? आगे हम लोग सदन में भी आवाज़ उठाएंगे, सड़क पर भी आवाज़ उठाएंगे। तुष्टिकरण की नीति जो सरकार की चल रही है, वह बिल्कुल देश को पुनः विभाजन की ओर ले जाएगा, देश को गर्त की ओर ले जाएगा। इसलिए हम लोग निवेदन करेंगे सरकार से कि दूध का दूध पानी का पानी, और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। अमित शाह ने कल नवादा में कहा कि दंगाई को उल्टा करके सीधा कर देंगे, इसका मतलब क्या है? इसको लेकर काफी निश्चित रूप से जिसने भी दंगा किया है उसको उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा, उल्टा टांग करके सीधा कर दिया जाएगा। और आप लोगों के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच NIA से कराई जाए। तो देखा आपने कि किस तरीके से हरिभूषण ठाकुर उर्फ बच्चौल का ये कहना है कि क्यों नहीं जो रामनवमी जुलूस निकालने से पहले हर जिले में शांति समिति की बैठक होती है, उसका वीडियो साझा किया जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि उसका वीडियो साझा किया जाए, क्योंकि इसलिए नहीं किया जा रहा है ताकि शांति समिति पर एक दबाव बनाया गया था कि आप लोगों को जुलूस नहीं निकालना है, लेकिन उसके बावजूद भी जुलूस निकाला गया और शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी मनाई गई, और ये बिहार सरकार को पचा नहीं, और उसके बाद से एक साजिश के तहत ये सारी घटना को घटाया गया। तो इस तरीके से हरिभूषण ठाकुर बच्चौल ने, आप कह सकते हैं कि बिहार सरकार पर ये आरोप लगाए हैं कि जानबूझकर इस तरीके का प्रकरण हुआ है, इस घटना को घटाया गया है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए नहीं, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एक न्यूज 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।